Welcome to the students of class 9th. Today we discuss about the second book of your syllabus, the name of Moment, and there is the first chapter, The Lost Child. Okay, now, a child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and watch the sweets and toys displayed there. Ek bachcha apne parents ke saath ek mele mein jata hai, fair representative of the mele. ठीक है, मेले में जाता है, हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत खुश है और उत्सुक है, और ये स्वीट्स यानी कि मिठाइयां और खिलौने जो वहां पे दिखाए गए हैं यानी कि जो वहां पे दिख रहे हैं उन्हें चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डू नॉट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए वो नहीं खरीदते हैं. व्हाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, और तब क्यों वह उनको मना कर देता है, यानी कि जिन चीजों को वो चाहता है उन चीजों को मना कर देता है जब उन चीजों को कोई दूसरा उसको ऑफर करता. ऑफर मीन्स पेशकश करता है. ओके, नाउ देयर इज अ चैप्टर. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बसंत का एक त्योहार था, बसंत का एक मौसम था. फ्रॉम द विंट्री साइड ऑफ द नैरो लेंस एंड द एली एमर्ज अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी. फ्रॉम द विंट्री साइड यानी कि सर्द हवाओं के साथ, ठीक है ना, सर्द हवाओं के साथ नैरो तंग गलियों में एलिड इमर्ज. एलिड का मतलब क्या होता है? एलिड रिप्रेजेंट द ग्रास एनक्लोजर फॉर बाउलिंग, यानी कि घास का एक ऐसा एरिया जो कि कवर्ड होता है, ठीक है ना, कवर्ड होता है. एंड एली एमर्ज अ गैली. गैली रिप्रेजेंट हियर अबाउट अ हैप्पीली, एंड क्लेड रिप्रेजेंट अबाउट द क्लोज ह्यूमैनिटी, यानी कि विंट्री शेड, यानी कि विंट्री शेड का सर्दियों की हवाओं, ठंडी हवाओं के साथ एक तंग रास्तों में, यानी कि जो फूलों की जो क्यारियां जो उभरी हुई थी, इमर्ज का मतलब उभरी हुई थी, किससे उभरी हुई थी, साथ के साथ गैली में खुशनुमा इंसानों के रंग बिरंगे कपड़ों से. क्लैड हेयर रिप्रेजेंट अबाउट द क्लॉथ. सम वॉक्ड सम रोड ऑन द हॉर्सेज, अदर सेट बींग कैरीड इन बैम्बो एंड बलक कार्ट. ठीक है ना, कुछ चल रहे थे वॉक में, कुछ चल रहे थे, ठीक ना, कुछ घोड़ों की सवारी कर रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, और कुछ बैम्बो पे लेके जा रहे थे, लाइक बुलक कार्ट. बुलक कार्ट का मतलब क्या है? घोड़ा गाड़ी के ऊपर लेके जा रहे थे. वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर लेग्स ब्रीदिंग ओवर हिज लाइफ विद लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के दोनों पैरों के बीच में से, ठीक है ना, फुल ऑफ इमर्जिंग, यानी कि पैरों के बीच में से निकलता है या पैरों के बीच में भागता है, जो कि लाइफ यानी कि जिंदगी और खुशी से भरा हुआ है. लाइफ मीन्स जिंदगी, लाफ्टर खुशी या हंसी से, और ब्रिंग मीन्स भरा हुआ है, फुल ऑफ. ओके, नाउ इन द सेकंड पेज, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कॉल हिज पेरेंट्स एज ही लेफ्ट बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे. आओ बच्चे आओ, उसके पेरेंट्स उसे पुकारते हैं, एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे कि वो पीछे छूट जाता है. लैग्ड का मतलब छूट जाना, ठीक है ना. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन इन द वे. फैसिनेटेड का मतलब है कि अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड बाय द टॉयज, यानी कि शॉप में यानी कि दुकानों में लगे हुए खिलौने से अट्रैक्ट होके, ठीक ना, जो कि लाइन पे लगे हुए थे, यानी कि उनके जो फादर हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उस बच्चे को बुलाते हैं जो कि पीछे छूट जाता है. वो बच्चा जो कि दुकानों में मतलब लाइन से लगे हुए खिलौनों को देख के अट्रैक्ट होता है. ही हरीड टू वॉच हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. वह तेजी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है, ठीक है ना. हिज फीट ओबीडिएंट, उसके जो फीट है यानी कि उसके पैर हैं, अपने माता पिता की पुकार का पालन करते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब कहना मानते हैं. हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, और उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटते हुए, पीछे रिसीडिंग टॉयज का मतलब पीछे छूटते हुए खिलौनों पे अभी भी टिकी हुई है. लिंगरिंग का मतलब है टिके रहना, रिसीडिंग का मतलब पीछे छूटते हुए टॉयज. मीन्स की जो बच्चा उस टॉयज की शॉप में था, उनके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, तो जब बच्चा आगे जाता है तो टॉयज की दुकान तो छूटती जा रही है, साथ के साथ बच्चे की आंखें अभी भी उन छूटे हुए खिलौनों के ऊपर टिकी हुई है. एज ही केम टू वेयर दे हैव स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही वो उनके पास आता जहां पे कि वो उसका वेट कर रहे थे, यानी कि जिसके उसके पेरेंट्स वेट कर रहे थे. ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने दिल की इच्छाओं, डिजायर का मतलब है इंटेंशन, इच्छाओं को दबा नहीं पाया. सप्रेस का मतलब है दबाना. ओके, तो वह अपने दिल की इच्छाओं को दबा नहीं पाया. इवन द ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, यद्यपि वो जानता था, वह भली भांति जानता था पुराने और ठंडे तरीके से उसके पेरेंट्स का
रोते हुए मना कर देना, रिफ्यूजल का मतलब मना कर देना, मीन्स सम हाउ द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड टू परचेज द टॉय बट हिज पेरेंट्स डज नॉट अलाउ हिम टू परचेज दैट टॉयज। ओके, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, मुझे वो खिलौना चाहिए, ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की। हिज पेरेंट्स लुक्ड एट हिम विद रेड आईज इन हिज फैमिली टैलेंट वे, उनके उसके फादर उसको अपनी लाल आंखों से देख रहे थे, जैसे कि उनका फेवरेट बोले जाना माना टैलेंट वे, टैलेंट बोले कि बहुत ही क्यूट वे, बहुत ही दुष्ट तरीका था, उनके जो फादर है लाल आंखों से उसे देख रहे थे, जो कि उनका एक परिचित तरीका था, एक टैलेंट मीन्स क्यूट वे, ठीक है ना, दुष्ट तरीका था, ठीक है ना। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, उनकी मदर ठीक है ना दिन की फ्री स्पिरिट, फ्री स्पिरिट का मतलब है कि भावना से, उन्मुक्त भावना से, फ्री स्पिरिट का मतलब है कि देयर इज ए एनवायरमेंट ऑफ फेयर फेयर एंड एवरीबडी इज हैप्पी इन द फेयर, दैट्स व्हाई दे आर फीलिंग द गुड स्पिरिट ऑफ द फेयर, यानी कि वो मेले की उस भावना का मतलब भावनाओं को बहुत महसूस करते हैं, उनकी मदर उस भावना में पिघल जाती है, यानी कि उस भावना को महसूस करती है, एंड गिविंग हिम हर फिंगर, और अपनी फिंगर उन्हें उंगली उन्हें होल्ड करने के लिए देती है, पकड़ने के लिए देती है, और कहती है लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है, इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह एक फूलों वाला सरसों का खेत है, पेल लाइक ए मेल्टिंग गोल्ड एट इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ये बिल्कुल ही पिघलते हुए सोने की तरह पेल है, पेल का मतलब पीला है, ये पिघलते हुए सोने की तरह पीला है, जो कि मीलों तक इसी तरीके की जमीन से फैला हुआ है, यानी कि उनकी मदर बोलते कि बेटा आप यहां फूलों से लदे हुए सरसों के खेत को देखो जो कि पिघले हुए सोने की तरह दिखाई दे रहा है और जो काफी मीलों तक इसी जमीन पे फैला हुआ है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई वर बस्टलिंग अराउंड देयर ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लॉन्ग ब्लैक पी ऑफ बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। बस्टलिंग मीन्स बस्टलिंग रिप्रेजेंट हियर द वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मीन्स एक्टिविटीज, एक्टिविटीज यानी कि एक ग्रुप, यानी कि ड्रैगन फ्लाई जैसे नॉर्मली एक इंसेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हवाई जहाज, जो मोस्टली पॉन्ड्स और रिवर के आसपास होता है, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन फ्लाई का ग्रुप है, ठीक है ना, जो कि बहुत एक्टिवली घूम रहा है। अबाउट ऑन द गॉडी, गॉडी रिप्रेजेंट अबाउट एक्सट्रीमली ब्राइट शोरी, एक्सट्रीमली ब्राइट, गॉडी रिप्रेजेंट एक्सट्रीमली ब्राइट, यानी कि उनके चमकीले, उनके बहुत ही चमकदार पर्पल विंग्स, बैगनी कलर के पंख, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन, जो कि एक अकेली काली मक्खी और बटरफ्लाई और काली मक्खी के रास्ते को रोक रहे हैं, इंटरसेप्ट का मतलब रोक रहे हैं, ठीक है, जिस रास्ते में वो जा रहे हैं उड़ते हुए, ठीक है ना, और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, और एक बटरफ्लाई है जो कि फूलों से मिठास यानी कि स्वीटनेस का मतलब रस की तलाश में उड़ रही है। आई रिपीट द लाइन अगेन, अ ड्रैगन ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई बस्टिंग, यानी कि जो ड्रैगन फ्लाईज का जो इंसेक्ट है उनका जो ग्रुप है, ठीक है ना, वो चमकदार पंखों पर्पल यानी कि बैगनी पंखों से पंखों के साथ मंडरा रहा है, यानी कि बस्टिंग का मतलब है तो मंडराना या फुल ऑफ लाइवली एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में बिजी रहना। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन्ग ब्लैक बी और बटरफ्लाई, यानी कि जो कि एक अकेली काली मक्खी की फ्लाइट को रोकते हुए, और एक बटरफ्लाई है, एक तितली है जो कि फूलों से रस को ढूंढने की तलाश में जा रही है, यानी कि रस को ढूंढ रही है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, यानी कि बच्चा उन हवा में उनका पीछा करने लगा, ठीक है ना, विद हिज गेज का मतलब गेज रिप्रेजेंट अबाउट द साइट विजन, जहां तक उसकी नजर जाती है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, जब तक कि उनमें से एक ने अपने पंखों को शांत नहीं कर लिया और रेस्ट नहीं किया, एंड ही वुड ट्राई टू कैच, और वो उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। बट इट कुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, और ये फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ती गई अप इन द एयर हवा में, ओके, लेकिन ये फड़फड़ाते हुए अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हुए हवा में गई। फ्लटरिंग का मतलब फड़फड़ाना, फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ाते हुए ऊपर जाना, रिप्रेजेंट द सेम मीनिंग, बट फ्लटरिंग का मतलब है कि एक जगह पे फड़फड़ाना इन द सिटिंग पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, और फ्लैपिंग का मतलब है फड़फड़ाते हुए मूव करना,
ओके व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट गॉट इट इन हिज हैंड, जब मतलब जब उसने लगभग उसे अपने हाथों में पकड़ ही लिया था, देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तब उनकी मदर ने एक कॉशनरी कॉल दिया। कॉशनरी कॉल का मतलब कि वार्निंग वाली कॉल दी, मतलब वार्निंग दे के पुकारा, कम सर कम कम ऑन द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ फुटपाथ पे आ जाओ। कॉशनरी मीन्स वार्निंग टोन। ओके ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक एब्रेस्ट ऑफ देम, यानी कि वह अपने पेरेंट्स की तरफ बड़ी खुशी से भागा, ठीक है, और वो उनसे आगे चलने की कोशिश कर रहा, कुछ क्षण के लिए वो उनसे आगे था। एब्रेस्ट मीन्स जस्ट फोरहेड, यानी कि थोड़ा आगे होना। गैली रिप्रेजेंट करता हैप्पीनेस, हैप्पीली, ठीक है। However, soon left behind, और जो कि थोड़ी देर बाद पीछे हो जाता है। Attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunlight, यानी कि वो अट्रैक्ट होता है छोटे छोटे इंसेक्ट और कीड़ों से जो कि फुटपाथ पे आते हैं, अपने हाइडिंग छुपे हुए जगह से बाहर निकलते, टीमिंग आउट बाहर निकलते हुए, ठीक है ना, ताकि वो सनलाइट को एंजॉय कर सके या सनशाइन को एंजॉय कर सके। टीमिंग आउट मीन्स टू गो आउटसाइड, हाइडिंग प्लेस में छुपे हुए जगह से। तो जो बच्चा है बड़ी खुशी खुशी से यानी कि हैप्पीली आगे अपने पेरेंट्स से आगे चलता है कुछ क्षणों के लिए, लेकिन बाद में वो थोड़ा पीछे हो जाता है। रीजन बिहाइंड दैट, वो उन छोटे कीड़े और कीट पतंगों को फुटपाथ पे आते हुए देखता है जो कि अपने छुपे हुई जगह से बाहर आ रहे हैं। किस लिए बाहर आ रहे हैं? टू एंजॉय द सनशाइन, सूरज की लाइट को, यानी कि सनशाइन को, सूरज की रोशनी को एंजॉय करने के लिए। कम चल कम हिज पेरेंट्स कॉलिंग फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रुव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, ही रेन टू वास्ते, आओ बच्चे आओ, उनके पेरेंट्स उन्हें पुकारते हैं, उसे पुकारते हैं, इन द शेड ऑफ ए ग्रुव, ग्रुव रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ग्रुव बोलते हैं। ओके, जैसे हम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को हम टीम बोलते हैं, ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप ऑफ ट्रीज को हम यहाँ पे ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना, इज ए कलेक्टिव नाउन। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ इन द, जहां पे कि वह एक कुएं के किनारे पे अपने आप बैठे हुए, यानी कि जहां पे उसके पेरेंट्स कुएं के किनारे बैठे हुए थे, ही रेन टूवर्ड्स ए, वह उनकी तरफ भागता है। शोवर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रुप, यानी कि फ्लावर की, ठीक है ना, फ्लावर की, फूलों की एक बौछार उस बच्चे के ऊपर पड़ती है जैसे कि वो उस पेड़ों के झुंड की तरफ जाता है, ग्रुप में जाता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, ठीक है ना, वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और वो अपने हाथों में गिरते हुए पत्तियों को इकट्ठा करता है, ठीक है ना, उन पत्तियों को, पेड़ों में से जो फूल गिर रहे हैं तो फूल के छोटे छोटे जो फूल के जो पेटल्स हैं, जो पंखड़ियां गिरती हैं, उनको अपने हाथ में महसूस कर रहा, गैदर कर रहा, और इसी बीच में वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। बट लो ही हियर द कुइंग ऑफ द डव्स एंड रेन टूवर्ड्स द पेरेंट्स शाउटिंग द डव द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, ठीक है ना। और इसी के बाद लेकिन क्या हुआ, उसने फिर डव, डव इज अ बर्ड लाइक स्वान, और यू कैन से द डक, डक की तरह, बत्तख की तरह, स्वान की तरह एक बर्ड होता है, ठीक है ना, जो पानी में फ्लोट करता है। इन हिंदी में फाख्ता, उसको हम फाख्ता बोलते हैं हिंदी में, जो कि कुकू की आवाज करता है। तो उसने कुकू की आवाज सुनी एंड देन टू अ, वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागते हुए गया, शाउटिंग चिल्लाते हुए, द डव फाख्ता फाख्ता, ठीक है ना, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, और जो ऊपर से जो फूलों की जो पंखड़ियां उसके हाथों में गिरी थी, उसके फॉरगॉटन हैंड का मतलब कि भूले हुए हाथों से गिर गए। यहाँ पे भूले हुए हाथों का मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो दूसरी एक्टिविटी में बिजी हो गया, कि वो इस वजह से अपने हाथों में रखे जो फूल है वो भूल गया और इस वजह से वो नीचे गिर गए। ओके नाउ कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गोन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर राउंड द बनियन ट्री, बनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप टू द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर फील्ड। ओके कम चाइल्ड, आओ बच्चे आओ, उन्होंने अपने बच्चों को आवाज लगाई जो कि अब वाइल्ड कैपर राउंड, यानी कि बनियन ट्री के नीचे कैपर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपर, कैपर मीन्स अ प्लेफुल स्कीपिंग मोमेंट, यानी कि हंसी खेल, खेल में कूदते रहना, एंजॉय करना, ठीक है ना। तो हंसी खेलते हुए, कूदते हुए, उछलते हुए, फुदकते हुए बनियन ट्री की ओर वो खेल रहा था, एंड गैदरिंग हिम अब दे नैरो, ठीक है ना,
एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग, और उसको साथ लेते हुए उन्होंने एक तंग रास्ता चूज किया, मतलब उन्होंने उनके पेरेंट्स ने एक तंग रास्ता यानी कि एक छोटा सा रास्ता, नैरो का मतलब है जिसमें ज्यादा स्पेस नहीं होता, रास्ता सेलेक्ट किया। वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर, जिसमें कि वाइंडिंग फुटपाथ का मतलब कि हवादार फुटपाथ था, यानी कि उस एरिया पे हवा आ रही थी, ठीक है ना, एक खुला हुआ एरिया था, जो रास्ता की मस्टर्ड फील्ड यानी कि सरसों के खेत से उन्हें कहां लेके जाता था, मेले की तरफ लेके जाता था। आई रिपीट, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कम चाइल्ड कम, बेटे इधर आओ, बच्चे इधर आओ, ठीक है ना। अब जो बच्चा है जो, ठीक है ना, वो बनियन ट्री यानी कि वेट वृक्ष, बनियन का मतलब था वेट वृक्ष, ठीक है ना, उस पे उसके चारों ओर वो खुशी से कूद रहा है, फुदक रहा है, और उनके पेरेंट्स मतलब उसके जो बच्चे के पेरेंट्स है एक नया नैरो रास्ता चूज करते हैं जिसमें कि फुटपाथ पे काफी हवा चल रही है, खुला एरिया है, और वो रास्ता खेतों के यानी कि सरसों के खेतों से कहां लेके जाता है, मेले की तरफ लेके जाता है। एज ए नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी ऑफ द फुटपाथ फुल ऑफ थॉन्ग्स कन्वर्जिंग to the whirlpool of the fair and felt at once appalled and fascinated by the confusion of the world he was entering. Okay, as he near the village, ठीक है ना, जैसे ही वो खेत के पास यानी कि गांव के पास आते हैं तो जो बच्चा है वो इतने सारे, फर्स्टली वी गो फॉर द मीनिंग, थ्रॉन्ग्स मीन्स ह्यूज क्राउड्स, बहुत ज्यादा भीड़ के फुटपाथ देख सकता है, ठीक है ना, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ को फुटपाथ पर देखना है, पैर को निशान देख सकता है, या कि फुटपाथ पैर को निशान नहीं, फुटपाथ पे बहुत सारी भीड़ को देख सकता है लोगों की। कन्वर्जिंग द वर फुट ऑफ द फेयर, कन्वर्जिंग मीन्स हियर चेंजिंग, ठीक ना, चेंजिंग ऑफ द वर्लपूल, वर्लपूल इन हिंदी वी कैन से वर्लपूल बवंडर होता है, पानी के अंदर जब एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो पानी जब घूमता है तो उसके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं पानी के अंदर आ जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो राइटर है वो ये बताना चाहता है कि कन्वर्जिंग टू द वर्ल्ड ऑफ द फेयर यानी कि जो कि मेले को, ठीक है ना, एक कन्फ्यूज क्राउड में बदल दिया, क्योंकि मेले के अंदर इतनी क्राउड होती है, इतने सारे लोग होते हैं कि सब कंफ्यूज होते हैं कि हम जाएं तो जाएगा, और सारे मेले के अंदर खो जाते हैं, यानी कि सारे मेले के अंदर चले जाते हैं, मतलब लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं, ठीक है ना। एंड फेल्ट एट वंस एपल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ वर्ल्ड वाइड, और बहुत ही वो अपने आपको महसूस करता है, एपल रेसिस्ट करता है, रेसिस्ट का मतलब क्या, रोकता है, एपल में रेसिस्ट करता है, रोकना, एंड फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड होता है, किससे, कन्फ्यूजन से, उस भ्रम के साथ कि वो कौन से वर्ल्ड में एंटर कर रहा है। I repeat this paragraph once again. As they neared the village, the child could see many other footpaths of full of thorns. कि जैसे ही वो उस गांव के पास पहुंचते तो बच्चा, ठीक है ना, बहुत सारी भीड़ को फुटपाथ पे देखता है, converging into whirlpool of thorns, जो कि मेले के whirlpool यानी कि भवंडर में, यानी कि मेले की भीड़ में बदलते जा रहे हैं, यानी कि जो फुटपाथ से लोग बहुत सारे भीड़ में आ रहे हैं वो मेले के अंदर समाये जा रहे हैं, यानी कि मेले के अंदर एंटर करते जा रहे हैं। एंड फेल्ट एट वंस, और वो तुरंत महसूस करता है रेपल, यानी कि वो इसके अंदर ना जाए, एंड फैसिनेटेड, और वो साथ के साथ अट्रैक्ट भी होता है बाय द कन्फ्यूजन, कि इस कन्फ्यूजन के साथ वर्ल्ड ही वॉज इंटर, कि वो किस तरीके के वर्ल्ड में जा रहे हैं, कि वो कैसे मेले में जा रहा है, मतलब सम हाउ द वर्ल्ड हैज बीन इन द कन्फ्यूजन फॉर्म, यू कैन से इन द रेपल स्टेट दैट why he is entering in the fair, because the fair is full of crowd and in his lifetime he never sees such a crowd, that's why all the feeling is overwhelmed on him. Okay, now a sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with the leaves of silver and gold. Ek sweet meat seller yani ki mithai bechne wala, lekin awaz lagata, hawk means awaz lagata hai, gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, yani ki एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार के, यानी कि इस मेले के एंट्रेंस के कोने पे ही एक हलवाई बोल सकते हो या मिठाई वाला आवाज लगाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ठीक है ना, एंड द क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्टर ऑफ मैनी कलर स्वीट, और यानी कि एक जो पूरी क्राउड यानी कि भीड़ उसके काउंटर पे आ जाती है, और ऐसे लगते हैं कि जैसे उसके पैर यानी कि
एट द फुट ऑफ ए आर्किटेक्चर ऑफ मैनिक्रेसी. आर्किटेक्चर का मतलब है कि एक ऐसा स्टूल, एक ऐसा टेबल, यू कैन से एक ऐसा स्टैंड होता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर इतनी सारी कलरफुल मिठाइयां रखी होती है, सब भीड़ उसके आसपास आ जाती है. जो कि मिठाइयां डेकोरेटेड है, सजी हुई है किससे, लीव्स ऑफ सिल्वर और गोल्ड की पत्तियों के साथ सजी हुई है. सिल्वर और गोल्ड की पत्तियों का मतलब क्या है, देयर इज अ थिन पॉलिथिन, यू कैन से एक थिन लेयर होती है जो हम आमतौर पे स्वीट्स के ऊपर देखते हैं, ताकि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे और फ्रेश लगे. द चाइल्ड स्टैंड ओपन आई एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बॉफी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट. यानी कि जो बच्चा अपनी खुली आंखों से घूरता रहा, स्टेयर मीन्स घूरता रहा, और उसके मुंह से पानी आया, किसके लिए, बर्फी के लिए आया. दैट वॉज हिज फेवरेट चीज, जो कि उसकी फेवरेट स्वीट थी. आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए. ही स्लोली मर्मर्ड, स्लोली मर्मर्ड का मतलब धीरे से बड़बड़ाया, ठीक है. बट ही हॉफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी. सो विदाउट वेस्टिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. बट वो आधी तरीके से, अच्छी तरीके से जानता था कि उसकी जो मांग है, उसकी जो रिक्वेस्ट है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा. हीडेड मीन्स पेड नो अटेंशन, ओके, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसे लगता था उसके पेरेंट्स उसे कहेंगे कि वो बहुत लालची है. ग्रेडी मीन्स लालची. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. और फिर बिना किसी जवाब के, बिना किसी आंसर का इंतजार करते हुए वह आगे बढ़ा. अ फ्लावर सेलर हॉग, एक फूल बेचने वाले ने आवाज लगाई, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो. द चाइल्ड सीम इरेसिस्टिबली ड्रॉन, यानी कि जो बच्चा था ना रोके जाने वाला था, यानी कि अपने आप को नहीं रोक पा रहा था, ऐसा प्रतीत होता है, यानी कि ऐसा लगता था कि बच्चा अपने आप को नहीं रोक पा रहा है. ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर ले हिप एंड हाफ मॉवर, वह उस टोकरी के पास गया जहां पे कि फूल रखे हुए थे, फूलों का ढेर रखा हुआ था. हिप का मतलब ढेर रखा हुआ था, एंड हाफ मॉवर, और वो हल्का सा बड़बड़ाया. बड़बड़ाने का मतलब क्या, धीरे से बोला, हल्का सा बड़बड़ाया. आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए. बट ही वेल न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय देम दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. सो विदाउट वेस्टिंग फॉर आंसर ही मूव ऑन, ठीक ना. लेकिन वो तरीके से जानता था कि इसके लिए भी उसके पेरेंट्स मना कर देंगे. रिफ्यूज का मतलब मना कर देंगे, बिकॉज दे वुड, क्योंकि वो कहेंगे कि ये बहुत ही सस्ते हैं. चीप का मतलब बहुत ही सस्ते हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना किसी आंसर का वेट करते हुए ही मूव्ड ऑन हुआ है, आगे बढ़ता रहा. ए मैन स्टूड अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट, ठीक है ना. एक आदमी एक लकड़ी के डंडे पे, पोल पे, खंभा तो हम नहीं बोल सकते, एक लंबे से लकड़ी के डंडे पे पीले लाल हरे और पीले लाल हरे बैगनी कलर के गुब्बारे लिए खड़ा था. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर एंड वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पॉलिश देम ऑल. यानी कि जो बच्चा था, ओवरवेलमिंग का मतलब है कि फुल ऑफ सरप्राइजिंग, ओके. तो जो बच्चा था वो सिंपली जो रेनबो ग्लोरी, यानी कि सतरंगी कलरों से, यानी कि सात रंगों के कलर से, जो गुब्बारे अलग अलग कलर्स के थे, उसकी ग्लोरी से, यानी कि उसकी शोभा से अट्रैक्ट हो जाता है. और वो एक ऐसी इंटेंशन में, यानी कि एक ऐसे डिजायर में, यानी कि एक ऐसे फैसिनेशन में चला जाता है, ठीक है, ऐसे ड्रीम में चला जाता है टू पोजिशन, जिसमें कि वह उसे चाहता है. किसको चाहता है, उन गुब्बारों को चाहता है. बट ही वेल न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच बॉय सच टॉयज. सो ही वॉक ऑन फर्दर. लेकिन वो जानता था इस तरीके से कि उसके पेरेंट्स उसके लिए वह नहीं खरीदेंगे, वो बैलून नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि इसको खेलने के लिए वो अब काफी बड़ा है, इस तरीके के खिलौनों से खेलने के लिए वो काफी बड़ा है. सो ही वॉक ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ा. A snake charmer stood playing a flute to a snake with coiled itself in a basket, its head raised in the graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. एक स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर का मतलब है सांप पकड़ने वाला, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सपेरा. एक सपेरा, ठीक है ना, सांप के लिए
क्या बजा रहा था? बीन बजा रहा था. प्लेइंग फ्लूट का मतलब यहाँ पे हम बांसुरी में बोलेंगे, बीन बोलेंगे. बीन बजा रहा था जो कि अपनी बास्केट में कुंडली मारे हुआ था. कॉइल का मतलब क्या था? कुंडली. सांप जैसे गोल गोल राउंड करके कुंडली मारता उस तरीके से. इट हैड रेज इन द ग्रेसफुल बैंड. और उसका जो सर था बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही ग्रेसफुल मीन्स सुशोभित, बहुत ही अच्छी तरीके से बैंड था. जैसे कि उसकी जो गर्दन थी स्वांग की तरह, स्वांग की तरह हंस की तरह हो, ठीक है ना. यानी कि जो सांप टोकरी में बैठा था अपनी गर्दन को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रेसफुली बैंड कर रहा था, एज लाइक कि हंस की तरह, यानी कि स्वांग की तरह. व्हाइल द म्यूजिक स्टोर इन द इनविजिबल एयर लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल. और जबकि जो जो उसका म्यूजिक था, बीन का जो म्यूजिक था, उसके कानों पे ऐसे लग रहा था कि जैसे कि आदृश्य, इनविजिबल आदृश्य जो दिखाई न देने वाला आदृश्य वाटरफॉल, यानी कि वाटरफॉल का मतलब झरना, यानी कि ऐसा झरना जो दिखाई नहीं दे रहा, उसके जो बूंदे गिरने की उस झरने का जो जब झरने से पानी गिरता है उसकी आवाज उसके कानों में आ रही हो. मतलब जो बीन की आवाज थी, जो बीन का जो साउंड था, जो म्यूजिक था, इस तरीके से था जैसे कि वाटरफॉल की जो आवाज होती है जब जमीन पे पानी गिरता है, इस तरीके से. द चाइल्ड बेंड टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, यानी कि जो बच्चा है स्नेक चार्मर यानी कि सपेरे के पास जाता है. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच ए कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फादर. लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स फॉरबिडन का मतलब मना कर देंगे, इस तरीके का कोर्स का मतलब भद्दा, कोर्स का मतलब भद्दा, भद्दा मीन्स कि ऐसा दैट इज नॉट गुड, दैट नॉट सीमिंग प्लीजेंट, यानी कि जो अच्छा म्यूजिक नहीं है. अच्छा म्यूजिक का मतलब इसमें कुछ सेंस नहीं है, ठीक ना. तो एक ऐसा म्यूजिक सुनने के लिए मना करेंगे जो कि स्नेक चार्मर बजा रहा, यानी कि जो सपेरा बजा रहा था. ही प्रोसीडेड फर्दर, यानी कि वो आगे बढ़ा. प्रोसीड का मतलब बढ़ना, फर्दर का मतलब आगे. देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. राउंड अबाउट का मतलब एक झूला था जो कि फुल स्विंग था, जो कि बहुत जोरों पे था. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन द व्हीलिंग मोशन, शेकिंग शेक एंड क्राइड विद अ डिजी लाफ्टर. यानी कि आदमी, औरत, बच्चे, ठीक है ना, व्हीलिंग मोशन में, व्हीलिंग मतलब गोल गोल मोशन में घूम रहे थे, ठीक है ना. शेक चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और विद डिजी लाफ्टर. डिजी का मतलब क्या था? भ्रमित करना, ठीक है ना. कंफ्यूजिंग लाफ्टर, यानी कि देखो यहाँ पे डिजी लाफ्टर क्यों यूज किया गया? क्योंकि जो जो झूला राउंड अबाउट है वो इतना तेजी से गोल गोल घूम रहा है कि साथ के साथ जो मैन, वुमेन और जो चिल्ड्रंस है वो चिल्ला भी रहे हैं, चीख रहे हैं, और क्राइड चिल्ला भी रहे हैं, ठीक है ना. वो चीख भी है, चिल्ला भी है, साथ के साथ वो हंस भी रहे हैं. मीन्स समहाउ उन्हें डर तो लग रहा है मगर वो उसे एंजॉय कर रहे. दैट्स व्हाई द एडजेक्टिव हैज बीन यूज इन डिजी. डिजी का मतलब है कन्फ्यूजिंग लाफ्टर, यानी कि ओके. नाउ द चाइल्ड वॉज देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट. यानी कि बच्चा उनको जानबूझ के देखता है. इंटेंसली का मतलब है कि जानबूझ के देखता है और वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है. थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर, मुझे उस झूले पे जाना है, प्लीज फादर मदर. ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट पेज. There was no reply. He turned to look at his parents. वहां से कोई भी जवाब नहीं था, मतलब उसको कोई भी जवाब नहीं मिला. जैसे वो अपने पीछे अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ा, दे वर नॉट देयर, वो वहां नहीं थे. अहेड ऑफ हिम, उसके आगे नहीं थे. ओके, ही टर्न्ड टू लुक ऑन द ईदर साइड, उसने उन्हें दूसरी साइड में देखने की कोशिश किया, उनको देखने के लिए मुड़ा. दे वर नॉट देयर, वो वहां भी नहीं थे. ही लुक बिहाइंड, उसने अपने पीछे देखा. देयर वर नो साइन ऑफ देम, कि वहां पे उनका कोई भी नामो निशान नहीं थी. मींस कि यहाँ पे जो चाइल्ड है उसके पेरेंट्स समहाउ खो गए हैं, यानी कि बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया है. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन द ड्राई थॉट एंड विद इन अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर. ठीक है, अ फुल डीप क्राई, एक तेज डीप गहरी चीख उसके गले से निकली, उसके सूखे गले से निकली, थ्रॉट में गले से निकली. एंड विद अ सडन जर्क, जर्कन झटके के साथ, यानी कि अचानक झटके के साथ उसने अपनी बॉडी को मूव किया जहां पे वो खड़ा था, यानी कि अचानक झटके के साथ वो इधर उधर भागने लगा. क्राइंग इन रियल फियर, बहुत ही डर के साथ, यानी कि वास्तविक डर के साथ. मदर फादर, ठीक है, मम्मा पापा, ठीक है. Tears rolled down from the his eyes, आंसू उसकी आंखों से टपक रहे थे, गिर रहे थे. Hot and fresh, जो कि काफी गर्म और गुस्से से भरे हुए थे, ठीक है ना. His flushed face was convulsed with the fear. Convulsed means fill up.
शेक, यानी कि उसका चेहरा, उसका जो चेहरा था डर से पूरा वॉयलेट हो गया था, यानी कि पूरा डर से भर गया था। पैनिक स्ट्रिकन ही रेन टू वन साइड, और यानी कि डर से भयभीत होते, पैनिक स्ट्रिकन के डरते हुए वह एक साइड भागा, देन टू द अदर, और फिर दूसरी साइड, हीदर एंड थीदर, हीदर एंड थीदर मीन्स इधर उधर, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, नोइंग नॉट वेयर टू गो, नहीं जानते हुए कि उसे कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, मम्मा पापा ही वेल्ड, वेल्ड का मतलब रोना, वह क्राई करने लगा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकेम मडी, ठीक है ना, उसकी जो येलो टर्बन, टर्बन का मतलब पगड़ी, सर के ऊपर जो गोल गोल सा एक कपड़ा बांधते हैं नॉर्मली जो विलेजर्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी जो पगड़ी थी वो खुल गई थी। अनटाइड का मतलब क्या होता है, खुलना, उसकी पगड़ी खुल गई थी, ठीक है ना, केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकेम मडी, और उसके कपड़े बिल्कुल ही मैले हो गए थे, मिट्टी से भर गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग ऑफ फॉर अ व्हाइल ही स्टॉप डिफीटेड हिज क्राइज सप्रेस इन टू सॉब्स, ठीक है, हैविंग डन टू रन, यानी कि यहां वहां भागने के बाद, इन अ रेज ऑफ रनिंग, रेज ऑफ रनिंग का एंगर, ऑफ रेज का मतलब है एंगर, गुस्से के साथ इधर उधर भागते हुए ही स्टू डिफीटेड, यानी कि वो हारकर बैठ गया, डिफीट का मतलब हारना, यानी कि वो हारकर बैठ गया, वो अपने पेरेंट्स को इधर उधर भागते हुए देख रहा था, मगर उसके पेरेंट्स उसे नहीं मिले, और वो लास्ट में हार के, थक हार के बैठ जाता है। ही क्राइज सप्रेस, हिज क्राइज सप्रेस इन टू सॉब्स, उसकी जो चीखे हैं वो किसमें बदल जाती है, सॉब्स। सॉब्स होता क्या है, सिस्कियों में। अब सिस्कियों में क्या होता है कि नॉर्मली बच्चा रोता तो है मगर उसकी आवाज इतनी आती, सिर्फ एक हमें इमोशंस दिखते हैं उसके अंदर, तो यानी कि यहाँ पे जो उसकी जो क्राइस, जो चीखे थे कि मम्मा फादर, अब बच्चा सिसक सिसक के रो रहा था। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, ठीक है ना, अपनी कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस पे, लिटिल डिस्टेंस ना, थोड़ी सी दूरी पे हरी घासों में वह देख सकता था। हिज फिल्मी आईज, यहाँ पे जो फिल्मी आईज है, आईज विद टीयर्स, यानी कि आंसुओं से भरी आंखें, आंखें आंसुओं से भरी आंखों के साथ वो अपने मतलब किसको देख रहा था, मेंस और वुमेन्स को बात करते हुए देख रहा था, ठीक है ना, कौन, वो चाइल्ड। He tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and just talk just for the sake of laughing and talking. थी ना? वह जानबूझ के अपने येल्लो कपड़ों के पैचेस देखना चाहते हैं, यानी कि कपड़ों में से देखना चाहता है, ठीक ना, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर, लेकिन वहां पे उसके मम्मी फादर यानी कि मदर फादर का कोई भी नामो निशान नहीं है उन लोगों के बीच में, हु सीम टू बी लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग, जो कि आपस में हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, जब नॉर्मली वो हंसते और बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मीन्स क्या है कि यहाँ पे जो चाइल्ड है वो काफी थक जाता है जरा भाग के, ठीक है ना, उसकी जो क्राइज है वो सिस्कियों में बदल जाती हैं, और थोड़े से डिस्टेंस पे वो ग्रीन ग्रास में, हरी घास पे वो देखता है कि कुछ लोग अपने आंसू, मतलब आंसू से भरी आंखों, आंखों से भरी आंसुओं से भरी आंखों में, आंखों से देखता है कि कुछ लोग, यानी कुछ मैन और वुमेन्स आपस में बात कर रहे हैं, और फिर वो अपने कपड़े के पैचेस में से, कपड़े के पैचेस में जो कपड़े उसने पहन रखे हैं, ठीक है ना, एक तो अपनी आंखों को साफ भी कर उस पैचेस में से देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, मगर वहां पर उसके कोई फादर मदर का कोई भी नामो निशान नहीं है, उनके फादर मदर वहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। Who seemed to laugh, जो कि हंस रहा है, मतलब वो देखता क्या कि लोग हंस रहे हैं और बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल तौर पर आपस में बात करते हैं। He ran quickly again, मैं दोबारा भागा, this time to a shrine to which people seemed to crowding, इस समय वो एक श्राइन में, श्राइन का मतलब तीर्थ स्थल, यानी कि एक टेम्पल की तरफ जाता है जहाँ पे कि बहुत सारी भीड़ है, ठीक है ना। Every little inch of space here was consisted with man, but he ran through the people's leg, his little sob lingering, ठीक है ना, यानी कि हर एक जगह, यानी कि कोई भी स्पेस ऐसा नहीं था कि जो लोगों से ना भरा होता, कंसिस्टेंट मतलब भरा हुआ, ठीक है ना, बट ही रेन, लेकिन वो फिर भी उन लोगों के पैरों के बीच में से जाता है, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, यानी कि वो, यानी कि लिंगरिंग का मतलब रेंगते हुए जाता है, ठीक है, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग का मतलब है कि उसकी सिस्कियां अब थोड़ा सा रुकना शुरू हो गई है, ठीक है, क्योंकि अब वो एक्टिविटी कर रहा है इधर उधर ढूंढने की, मदर फादर मम्मा पापा किधर हैं आप, नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के दरवाजे की तरफ, यानी कि प्रवेश द्वार की तरफ, हाउ एवर ही क्राउड बिकम वेरी थिक, कि जो भीड़ है वो बहुत बढ़ जाती है मंदिर के दरवाजे पे, भीड़ काफी बढ़ जाती है, मैन जॉल्टेड ईच अदर, यानी कि जो लोग हैं एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेफ्टी सोल्जर्स, ठीक है ना, यानी कि काफी हैवी मैन है बड़े, उनके आगे फ्लैशिंग है, फ्लैशिंग चमकदार है, और उनके आगे मर्डरस हैं,
और जिनके हैवी सोल्जर्स हैं। मींस यहाँ पे जो चाइल्ड है ये बता रहा है कि किस तरीके से लोग आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं और उनके चेहरे के जो चेहरों के जो एक्सप्रेशंस हैं बहुत ही फ्लैशिंग है, मर्डरस आईज हैं, गुस्से में भी है, उनके कंधे बहुत हैवी भी हैं, हेफ्टी ठीक है ना, लार्ज हैं, हैवी हैं ठीक है ना। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, लेकिन जो बेचारा बच्चा होता है, पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं है, पुअर रिप्रेजेंट द सेंस ऑफ इनोसेंस, यानी कि यहाँ बेचारा बच्चा स्ट्रगल करता है, यानी कि संघर्ष करता है उनके पैरों के बीच में से एक रास्ता बनाने के लिए, यानी कि पुश करते हुए, यानी कि उन सबको पुश करते हुए, थ्रस्ट का मतलब यहाँ पर क्या, उन सबको पुश करते हुए उनके पैरों के बीच में रास्ता बनाने की कोशिश करता है। नॉक टू एंड फ्रो, जिसको कि इधर उधर धकेला जाता है, नॉक का मतलब इधर उधर धकेला जाता है, बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, जो कि उनके कठोर मूवमेंट, यानी कि जो उनके भगदड़ वाले मूवमेंट होते हैं उसकी वजह से बच्चे को इधर उधर धकेला जाता है। ही माइट हैव बीन टेम्पल अंडरफुट, वह लगभग उनके पैरों के नीचे दब ही गया था, टेम्पल मीन्स दब गया था या पिस गया था, वी कैन से ठीक है, वो उनके पैरों के नीचे आ ही गया था। हैड ही नॉट सिक एट द हाइएस्ट पिस एट अवे, अगर उसने अपनी सबसे ज्यादा चीख में, यानी कि जोर से नहीं चीखा होता, यानी कि अपनी वॉइस की, अपनी आवाज की सबसे तेज गति के साथ चीखा नहीं होता, तो वो लगभग उनके पैरों के नीचे आ जाता। फादर मदर, a man in the searching crowd heard his crowd and stooping with great difficulty lifted up his arm, यानी कि उस भीड़ के अंदर, searching crowd का मतलब है कि उस आगे बढ़ती हुई भीड़ में से एक आदमी आगे आया, ठीक है ना, एक आदमी ने उसकी चीख को सुना, ठीक है ना, and stooping with great difficulty, stooping का मतलब bent forward, और उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से आगे की तरफ झुकाया, lifted him up, और उसने उसे अपने बाजुओं में उठा दिया, किसको, उस चाइल्ड को। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बेटा आप यहां कैसे, हूज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हैं। द मैन आस्क एज ही स्टीयर्ड क्लियर द मार्क, आदमी उससे पूछता कि जैसे कि वो रास्ते को साफ करता हो गया, मतलब कि भीड़ से बाहर निकलता हो गया, भीड़ में आगे बढ़ता हो गया। द चाइल्ड वेप्ट मोर एंड मोर बिटरली इवन नाउ एंड ओनली क्राइड, अब जो बच्चा हो तो और भी ज्यादा रोने लगा, बिटरली का मतलब और भी ज्यादा बिटरली, यानी कि और भी हार्शली रोने लगा और चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए, ठीक है ना। द मैन क्राइड टू सूदे हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, यानी कि सूथिंग मीन्स यहाँ पे तो मेक कम्फर्ट रिलैक्स, यानी कि आदमी उसको चुप कराने के लिए उसे झूले की तरफ लेके जाता है, राउंड अबाउट मीन्स झूले की तरफ। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क, ही अप्रोच द रिंग, उसने बिल्कुल ही बड़े प्यार से पूछा, जैसे ही वो उस रिंग के पास पहुंचा, रिंग का मतलब है उस एरिया पे पहुंचा, ठीक है ना। द चाइल्ड थॉट टॉर इन टू द थाउजेंड शील्स ऑफ एंड ही ओनली शाउटिंग, यानी कि जो बच्चे का जो गला था हजारों सिस्कियों चीखों से फट गया था, मतलब काफी थक गया था बेचारा, एंड ही ओनली शाउटेड, वो चिल्लाया, सिर्फ चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। Okay, now the man headed towards the place where the said charmer still play on the flute to the swaying cobra. ठीक है ना, यानी कि मैन, यानी कि वो आदमी उसको आगे की तरफ उस जगह पे ले गया जहां पे की स्नेक चार्मर, यानी कि स्नेक चार्मर को सपेरा अभी भी उस हिलते हुए स्वेइंग कोबरा, हिलते हुए सांप के लिए बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उस प्यारे से म्यूजिक को सुनो चाइल्ड, ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की, किससे, बच्चे से। बट द चाइल्ड शट हिज आईज विद हिज फिंगर, लेकिन बच्चे ने अपने आंख कान अपने फिंगर से बंद कर लिए और सिर्फ चिल्लाया, और इस बार तो बहुत दुगनी आवाज में चिल्लाया, जोर के साथ, यानी कि स्ट्रेंथ का मतलब है कि बहुत जोर के साथ चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे फादर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, आदमी उस बच्चे को बैलून सीकर के पास ले गए, गुब्बारे बेचने वाले के पास ले गए, सोचते हुए कि जो ब्राइट कलर है, चमकीले कलर है गुब्बारे के, ये शायद बच्चे के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्ट का मतलब है कि उलझाएंगे, ठीक है ना। द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, और उसके ध्यान को भटकाएंगे या उलझाएंगे और साथ के साथ उसे शांत कर देंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर बैलून, क्या तुम एक है, तुम्हें इंद्रधनुष कलर का रंग का बैलून चाहिए। ही पर्सनली आस्क, उसने मनाते हुए कहा, ठीक है ना, उस आदमी ने मनाते हुए कहा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून एंड जस्ट सॉ, यानी कि बच्चे ने अपनी आंखें उस उड़ते हुए गुब्बारे से हटा दी और जस्ट सॉ, और सिर्फ सिसकियां भरी, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए।
द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक ए चाइल्ड हैप्पी, यानी कि आदमी अभी भी स्टिल ट्राइंग में अभी भी कोशिश कर रहा था कि उस बच्चे को खुश रखा जाए. बोर हिम टू द गेट, बोर का मतलब ले जाना, वह ले जाना या कैरी करना, उसे गेट तक ले जाता है जहां पे कि फ्लावर सेलर यानी कि फूल बेचने वाला बैठा होता है. लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोस नाइस फ्लावर चाइल्ड, क्या तुम उस प्यारे से, इन सारे प्यारे से फूल को स्मेल कर सकते हो. Would you like a garland to put round your neck? क्या तुम्हें एक माला चाहिए, गार्लैंड का मतलब माला चाहिए जो कि जिसे कि तुम अपने गले के चारों ओर रख सको या पहन सको. द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड री टेकेड हिज सॉक, यानी कि बच्चे ने अपना चेहरा, अपनी नाक उस बास्केट से हटा ली और रिपीटेडली, इरिटेटेड का मतलब क्या होगा, रिपीटेडली यानी कि दोबारा से ही सॉक्स की भरी. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए. थिंकिंग टू ह्यूमर टू हिज डिसकॉन्सुलेट चार्जेस बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप. थिंकिंग टू ह्यूमर यानी कि उसे खुश करते हुए, ठीक है, हिज डिसकॉन्सुलेट चार्ज, डिसकॉन्सुलेट चार्ज का मतलब क्या है, उस अनेबल टू कम्फर्टेबल यानी कि उसे कम्फर्टेबल ना बनाते हुए, यानी कि जो आदमी था, ठीक है ना, उसको कम्फर्ट नहीं दे पा रहा था, यानी कि उसको मना नहीं पा रहा था, किसको, बच्चे को. तो इसलिए वो उसे स्वीट यानी कि मिठाइयों का एक गिफ्ट देना चाहता है. द मैन, ठीक है, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट, यानी कि आदमी उसे मिठाई की शॉप पे लेके जाता है. व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम्हें कौन सी स्वीट पसंद है बच्चे, ही आस्क, उसने पूछा. द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप, बच्चे ने स्वीट शॉप से अपना चेहरा हटा लिया और सिर्फ शॉप किया, सिसकी भरी. आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरी मदर चाहिए और मुझे मेरे फादर चाहिए. तो दैट मीन द एंड ऑफ दिस चैप्टर. डियर स्टूडेंट, एक्चुअली इन दिस चैप्टर फर्स्टली द चाइल्ड इज वेरी फैसिनेटेड अबाउट लाइक द गार्लैंड, अबाउट द स्ट्रीट, अबाउट द फ्लावर्स, अबाउट द राउंड अबाउट. बट वेन ही लॉस हिज पेरेंट्स इन द फेयर, ही लॉस ऑल द इंटरेस्ट इन दोज थिंग दैट हैज ही प्रीवियसली इंटरेस्टेड द मोर, कि ऐसी चीजें जिनका, जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा फैशन, जिसको मतलब काफी पहले चाहिए थी, मगर जब उसके पेरेंट्स खो जाते हैं तो वो सारी चीजें भूल जाता है, सिर्फ उसे अपने पेरेंट्स ही चाहिए. तो दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी ऑल्सो. ओके, दैट विल बी द एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल चैप्टर्स. यू हैव टू नोट डाउन ऑल द वर्ड मीनिंग, ओके, दैट हैज बीन हाईलाइटेड विद द ब्लू येलो मार्कर अलॉन्ग विद दैट. Okay, if you have any doubt, just watch the video once again. Okay, till then, goodbye. Have a nice day.